जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7S न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके पटेल नगर में उस्मान नामी नौजवान पर अल्ताफ ने हमला करते हुए इसे शदीद जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि 15 रमजान को उस्मान और अल्ताफ के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, इसी पर कल अल्ताफ ने उस्मान पर हमला कर दिया जिसमें ये शदीद जख्मी हो गए। अंबरपेट पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए जख्मी उस्मान को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं मोहम्मद उस्मान खाजा की बहन बोल रही हूँ। मई बहुत सीरियस कंडीशन है, कोई अल्ताफ बच्चा बोल के मारे कहते हैं, क्या वजह से मारे क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बहुत सीरियस है। मान नहीं, उसको बच्चा है लेकिन उसको नहीं मानना चाहिए था। वो लोग चाहे तो उसकी गलती भी थी तो कंप्लेंट दे देना था। हम खुद इतने परेशान है, मां नहीं है बच्चा बोल के हम रख ले रहे थे, लेकिन बाप ने तो मां नहीं है तो बच्चे को मार के बहुत रहम कर दिया वो बेचारा। चाहे तो कंप्लेंट देना था, उसकी गलती रहे तो उन्हें जितनी भी रहे तो बोलना था, हमसे आगे बोलना था, लेकिन ना बेतुका मार नहीं माना। अपने मुसलमान है सर, लापरवाह होकर एक को एक मार लिया तो क्या है। अपनी पुरानी उनारी कुछ दुश्मनी नहीं है लोगों की, आपस में सिर्फ ऐसे ठहरे ठहरे हो गए, बोले हमको तो नहीं मालूम। आपके भाई क्या काम करते हैं? बिस्मिल्लाह बेकरी में काम करते। और वो अल्ताफ क्या काम करते? नहीं मालूम, पता नहीं है मेरे को, कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। सिर्फ मारे बोल के सुनी मैं, कोई बच्चा था मेरी सहेली के भाई साथ में थे, उन्होंने बोल रहे थे ऐसा मार दिए करे बोलते, हम लोग ले जा रहे थे जी बिलाल मस्जिद के पास, पटेल नगर अबलाल में से पटेल नगर जा रहे थे तो मार लगा उनको, बोले अच्छा मार रहे बोल के, लेकिन बस एक्शन लेना पुलिस वाले तकरीबन है पटेल नगर बच्चों घर से भी के वक्त बहुत सीरियस कंडीशन है। सिग्नेचर ले लिए, अम्मा बहुत सीरियस है बोल के सिग्नेचर ऑक्सीजन पे नहीं है, होश में नहीं है, कुछ नहीं है, सांस भी नहीं ले सक रहे, वेंटिलेटर पे डाल दिए उनको, वेंटिलेटर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग को, आ जा रहा भी नहीं नहीं और वो लोग पुलिस वाले को हम लोग कंप्लेंट करके वहाँ पर आ जाए बोले कि वो लोग नहीं जाओ, हम लोग उस्मानिया ले लेके जाओ फौरी बोल के बोल दिए बस। ठीक है, हम लोग जा रहे थे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है, हम लोग अहमदनगर में रहते, हमारे भाई थे साथ के, हम लोग पूरे जा रहे थे, बाहर जा रहे थे तो वो बच्चा अल्ताफ बच्चे का नाम है तो अरे गालियाँ दे के गाड़ी रुकाया उन्हें, रुका के क्या हुआ रे लड़ता क्या ये वो बोल के सामने आया तो हमारे भाई गाड़ी पर से उतरे, उतर के बात कर रहे थे, पीछे से ले सामने से लेके आके लट उठा के मार दिया, दो तीन मारा मार दिया उनको और उसके साथ में तीन चार दोस्त। क्या वजह क्या है हमले की है? वजह कुछ भी, ऐसा जा रहे थे गालियां देके उन्हें खुद मारना स्टार्ट कर दिया। वो झगड़े का क्या वजह थी? वो क्या उसका तो कुछ भी नहीं मालूम, जब का कॉम्प्रोमाइज हो गया, जब हम लोग कोई भी साथ में नहीं थे, 15 दिन या 20 दिन पहले हुआ था, इनसे हुआ था नहीं, इसके दूसरे जनों से हुआ था, अल्ताफ से हुआ था नहीं, नहीं कुछ भी नहीं हुआ था अल्ताफ का, पहले झगड़े से कुछ भी मतलब नहीं, नहीं है मतलब कुछ भी नहीं। अल्ताफ कुछ नशे वगैरह में थे क्या? नहीं नहीं थे, रुका के खाली मार दिए। हाँ रुका के गालियाँ दे रहे थे, हम लोग जा रहे थे तो गाड़ी अरे रुका रहे भाई इनके बोल के रुकाए गाड़ी, रुका के बात कर रहे थे लेके आके लट लेके आके दो तीन मारा मार दिया उन्होंने, हमारे भाई को खाजा भाई को मार दिया। हाँ मैं उनके साथ ही था। फिर आप नहीं मारे? नहीं नहीं मेरे को नहीं मारे, मेरे को वहाँ के दो तीन जने पकड़ लिया मेरे को जी, उनको मार दिया, उनको मार दे के उनको उठा। अल्ताफ के साथ कितने लोग थे? पूरे दोस्तान थे उसके, तीन चार जने दोस्तान थे पूरे। अल्ताफ के दोस्त पकड़े? हाँ हमारे और मंझले भाई है उन्होंने पकड़ लिया मेरे को, मैं उनसे बात था साइड में के बात कर रहा हूँ, उन्हें वहाँ से लेके आके मार दिया, मैं उधर भागे ना उनको खून आ रहा बोल के उधर भागा हूँ, सर पे पड़ा और यहाँ पर इधर आँखी के इधर इधर पड़ा मैं। नहीं अभी तो डॉक्टर हम बोल रहे सीरियस है, चांस नहीं है बोल के बोल रहे हैं, बहुत सीरियस कंडीशन है। पुलिस वाले तो अभी यहाँ कोई भी नहीं आए, वहाँ पर तो कंप्लेंट है जी जी, अमरपेट पीएस आता कंप्लेंट करे आप? हाँ कर दिया कंप्लेंट। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले यहाँ से आए बाद उधर एक्शन लेते बोल के बोल रहे हैं, पहले इधर से आओ बोल के बोल रहे हैं। क्या अमरपेट पीएस से कोई भी नहीं है आप लोगों के साथ में? नहीं कोई भी नहीं है, पुलिस वाले कोई भी साथ में नहीं है। ठीक है, अभी इनका नाम क्या है जख्मी जो है? हाँ मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान हाँ, अभी कंडीशन सीरियस है? बहुत सीरियस है इनका कंडीशन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।